इस वक्त पूरे देश की निगाहें उत्तर प्रदेश के रामपुर पर है क्योंकि रामपुर में सबसे दिलचस्प लड़ाई हो रही है। जयाप्रदा जो कि अभिनेत्री हैं, राजनेता भी रह चुकी हैं, दो बार इसी रामपुर से सांसद रह चुकी हैं और एक बार फिर से बीजेपी के टिकट पर इस बार रामपुर से चुनाव लड़ने जा रही हैं। लड़ाई इसलिए दिलचस्प है क्योंकि एक तरफ आजम खान है तो दूसरी तरफ जयाप्रदा है और आजम खान ने जयाप्रदा को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की है जो कि बेहद शर्मनाक भी है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जयाप्रदा जो कि रामपुर से बीजेपी की प्रत्याशी। जयाप्रदा जी, पहला सवाल यही, नवरात्र बीता नहीं कि आजम खान का आपके ऊपर इस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणी करना बेहद शर्मनाक है, मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग जिसे हम दोहरा भी नहीं सकते हैं, एक महिला होने के नाते क्या कहना चाहेंगे आप, क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया यह है कि ये तो मेरे लिए नई बात नहीं है। अगर आजम खान इस तरह का बयान नहीं देता है तो ये नई बात है क्योंकि इससे पहले भी 2009 में हमें ये मॉक फोटोग्राफ्स ये सब जो है अश्लील चित्र बंटवाना और हमारे ऊपर टिप्पणी करना, हमें अभद्र शब्द इस्तेमाल करना, ये इनके लिए यही आदत है तो आदत से ये मजबूर है और ये मतलब संविधान को और लोकतंत्र को दर्ज उड़ा रहे। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि महिलाओं को हमारे समाज में यह पूजनीय होती है तो माँ दुर्गा के जो नवरात्र खत्म होने बाद मैं उपवास रख के मैं माँ को बहुत मानती हूं। तो आज महिला के लिए कहा किस तरह के स्थान पे लोग देख रहे हैं कि क्या हमारे स्थान है ये लोग ही बताएं क्योंकि महिलाओं के लिए 33% के लिए हम पार्लियामेंट में इतने बहस करते हैं, क्या महिला के लिए 33% की जरूरत है? तो ऐसे महिला आएंगे तो पुरुष समाज एक्सेप्ट करेंगे? ये बहुत ही गंभीर समस्या है और इसलिए कि शायद मैं ये सोचती हूं कि बार बार वो मुझे नाचने वाली कहता है तो कला हमारा वरदान है, हम सरस्वती के वरदान से हम कलाकार बने हैं और हमारे कला के नाते लोगों को हम बहुत कुछ सेवा करते हैं और हमें पूजते हैं। लेकिन ऐसे एक इंसान है वो कला को इतना नफरत करके इतना अभद्र शब्द इस्तेमाल करता है, मुझे पाजिब कहता है, मुझे नाचने वाले कहता है, तो मतलब इसके जुबान पे जब जब उसको वो बयान आता है तो इसके जहर उगलता है, तो ये ऐसे नॉर्मल इंसान है ही नहीं है। आपको डर नहीं लगता रामपुर में जिस तरह से बार बार आपको धमकी दी जाती है, आपके खिलाफ बयान दिया जाता है, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है, आप फिर भी रामपुर में आकर चुनाव लड़ रही हैं? क्योंकि मैं भी जिद्दी हूँ ना, तो मैं ऐसे मतलब नॉर्मल औरत मैं भी नहीं हूँ कि मैं किसी से डरने वाली भी नहीं हूँ। तो इसीलिए जब 2009 में भी, अब तो हमारे पार्टी साथ में है, कैडर साथ में है, जनता मेरे साथ है, उस वक्त सिर्फ जनता था मेरे साथ, उस वक्त अकेली थी, तो इतने सारे जो टक्कर, इतने सारे मुकाबले मैं अकेले लड़ रही थी, तो आज मुझे इतने सारे कैडर, इतने सारे नेता हमारे साथ हैं। कल आदरणीय मोदी जी आए थे तो मोदी जी भी वही बात कहा है कि ऐसे जो लोग जो है, जो उनकी दिमाग हालत ठीक नहीं है, वो लोग इस तरह के ही बात करेंगे और महिला के उनके घर में भी महिला है, उनके घर में भी बीवी है, उनके घर में बहू है, क्या उनके बहू और बीवी के नाम से इस तरह की टिप्पणी करेगा क्या आजम खान? नहीं करेगा। अखिलेश यादव भी उसी मंच पर मौजूद थे जयाप्रदा जी, और एक वक्त था जब आप अखिलेश यादव के साथ थी, 2004 में सांसद बनी, 2009 में समाजवादी पार्टी से सांसद बनी, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ आजम खान पर, क्या मांग करती हैं आप? चुनाव आयोग से क्या मांग करती हैं, समाजवादी पार्टी से क्या मांग करती होगा? अखिलेश बहुत स्वार्थी है, वो कुर्सी के लिए बहुत बेताब है, वो सीएम बनने का चक्कर में आजम खान को बर्दाश्त करता है। आजम खान आदरणीय मुलायम सिंह जी के छाती पे बैठ के वो हुकुम चलाता था, अखिलेश अपने बाप का नहीं है, अखिलेश अपने पिता का नहीं है, तो अखिलेश किसका है? अखिलेश किसी का नहीं है, अखिलेश को चाहिए मुसलमानों का वोट, तो आजम को चेहरा देख के वो सब बर्दाश्त करता है। मैं चाहती हूँ कि मैं उसको छोटा भाई मानती हूँ। अखिलेश से सीधा सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि क्या अखिलेश आपके डिंपल आपकी बीवी, क्या आपके बेटियों से इस तरह का आजम टिप्पणी करेंगे तो आप आजम को अपने पार्टी में रखोगे या क्या करोगे? आप निष्कासित करोगे? आप एक्शन लोगे? नहीं करेगा।
अगर इस तरह का नौबत आता है तो वो अपने पार्टी में वो अपना कुर्सी को चुनेगा। चुनाव आयोग से मैं चुनाव आयोग से वही हमें न्याय दिलाए। क्या इस तरह का नेता लोग चुनाव लड़ने का हक है? क्या हमारे हमारे समाज में किस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं? मतलब मैं टिप्पणी को मैं अपने मुंह से बोल भी नहीं सकते हूँ, उस तरह का टिप्पणी वो करने के खड़ उतरा है तो उस आदमी के साथ किस तरह का एक्शन लेना है ये चुनाव आयोग सोचे। और इस तरह के लोगों को चुनाव लड़ने का हक नहीं होना चाहिए। जयप्रदा जी, लेकिन अपने बयान के तुरंत बाद आजम खान सफाई दे रहे हैं कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, और अगर ये साबित हो गया यानी कि आपका नाम लिया है उन्होंने, मतलब आपके लिए कहा है, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो 17 साल उन्होंने देख लिया, लोगों को बोल रहा कि मैं उंगली पकड़ के लेकर आया रामपुर के धरती पे, तो आपको किसको लेकर आए उंगली पकड़ के? तो आप ही ने तो मुझे बुलाया, किसी ने मुझे नहीं बुलाया रामपुर। मैं मुंबई में आराम से जी रही थी, मैं तो बहुत ही मतलब मेरा अपने कला से मैं बहुत पहचान हूँ, मैं खुश थी, मैं यहाँ पे भी खुश हूँ क्योंकि रामपुर के धरती, रामपुर के जनता मुझे बहुत प्यार करती है। इस बात के लिए मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, हमारे लिए सिख हो, ईसाई हो, सारे लोग मुझे प्यार करते हैं। वो मेरा शक्ति है, वो मेरा ताकत है, इसीलिए तो ये चुनाव लड़ रही हूँ। नहीं तो कोई मेरे जगह होते तो मर जाते, नहीं तो भाग जाते। जया जी, आपने कहा उंगली पकड़कर आजम खान आपको रामपुर में पहली बार लेकर आए, हर कोई ये जानना चाहता है आखिरकार जो शख्स आपको रामपुर लेकर आया, आपको पहला चुनाव लड़वाया, वो आखिरकार आपसे इतना बड़ा दुश्मन कैसे हो गया? कैसे रंजिश इतनी ज्यादा बढ़ती चली गई? क्या कारण था, क्यों आज आजम खान आपके खिलाफ जहर उगल रहे हैं बार बार? देयर इज नो क्लू, मुझे भी पता नहीं, जनता को भी मालूम नहीं है, वो खुद जाने क्यों दुश्मनी हो रही। इसलिए दुश्मनी हो रही है कि मैं गरीबों के आंसू पहुंचने वाली काम करती हूँ, उनको गला लगाती हूँ, उनके जो काम, जो गरीब है उनके झोपड़पट्टी मतलब बर्बाद करके वो मॉल बनाते हैं, और कई कई जो किसान भाई लोगों के जमीन को हड़प के वो वहां पे यूनिवर्सिटी बनाते हैं। तो इस बात पर मुझे टकराती हूं मैं इनसे कि जमीन, जो जमीन है तुम खरीद के अपने निजी वो करना यूनिवर्सिटी कर रहे हो, तो आप करोड़पति बन गया, 200 एकड़ का आप करोड़पति हो गई हो, अरबों के आपका पैसा है यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, क्या गरीब के झोपड़पट्टी में आपको नजर आ गई? उसको तोड़ देते हो आप, मॉल बनाते हो, किसके लिए मॉल बना रहे हो? और यहाँ पे जो अंडरग्राउंड में जो लाइन बिछाया जो बिजली का, वहां पे तार का कोई सीलिंग नहीं है, कोई कवर नहीं है, मतलब एक पाइपलाइन में सारे तारों को जोड़ना चाहिए, अंदर डालना चाहिए, उसके बाद बिछाना चाहिए, वो खुला बिछाया है। और बॉक्सेस यहाँ पे एक बाजू में छोटे छोटे प्लास्टिक का डिब्बे रखे हैं, तो वो डिब्बे अभी टूट रहा है, नेचुरली पार्टी का जो तोड़ते हैं, तो उसमें कहीं बारिश के समय पे एक बूंद भी उसमें डाल जाएगा तो लोग वहां पे हाथ लग जाए तो पूरा शॉक लगे, खाक राख हो जाएंगे ये लोग। ये बहुत भयंकर सिचुएशन में है ये जी। जो ठेका दिया था वो पूरा पैसा ले लिया, ये पता नहीं इसका भी इस हिस्से में, इनके हिस्सा में कितना करोड़ आया यार मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आम जनता के लिए ये बहुत खतरनाक स्थिति में आने वाले हैं। जया जी, जब आप नामांकन के बाद आई, आपकी आंखों में आंसू देखा रामपुर ने, काफी लंबे समय बाद आप रामपुर आई, मेरे ख्याल से जब आप 2009 का चुनाव लड़ी 2014 के बाद से, उसके बाद आप रामपुर आई, आपकी आंखों में आंसू क्यों था? आंसू क्या था कि मैं जीवन में मेरे को ये सब सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं उस स्थिति में हूं कि मुझे लोगों ने इतना प्यार, और लोगों ने जहां जहां मैं जाती हूं रामपुर के जनता खासतौर मुझे अपने पलकों में बिठा के मुझे प्यार करते हैं अभी भी। लेकिन इस तरह की जो टिप्पणी, ये क्या इंसान है क्या है इसके, इस तरह के जो टिप्पणी जो करते हैं, और अश्लील फोटोज, मेरे फोटोज निकाल के वो पूरे क्षेत्र में घुमाते हैं, तो वो औरत को आंखों पे पानी नहीं आएगा तो क्या आएगा? एक आंखें में ये पानी नहीं है, ये खून की आंसू है। रामपुर में आपके मुद्दे क्या रहने वाले हैं जया जी? विकास और रोजगार, उनके लिए जिस इंसान ने यहाँ के जो रोजगार को ठप कर दिया, और जो कारखाने होते थे लकड़ी का उसको भी खत्म कर दिया, अब सब लोग बेरोजगार हैं, उनके लिए भी दिलाना है। महिलाओं को भी हम रोजगार के लिए, हमने कॉलेजेस खोला है, नर्सिंग कॉलेज खोला है, बीएडी बीटीसी भी खोला है, वो लोग नर्सेस बनेंगे, टीचर्स बनेंगे,
तो हमने हैंडीक्राफ्ट के यहाँ पे जरी जरदोजी का बहुत काम होता है, उनके लिए भी हमने 6 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया। उसमें उसने सिर्फ मेरे नाम से वो बने हैं वो प्रोजेक्ट, इसलिए उसने रामपुर के जितने कूड़ा है वो कूड़ा पूरा उस बिल्डिंग के पास डंपिंग बना दिया। तो कौन आएगा उसमें, कौन आके वहां पे हैंडीक्राफ्ट करेगा? तो मतलब हर चीज में इसका इसने बर्बादी के लिए आलम कर दिया बस। जया जी, इसीलिए कहा जा रहा है कि रामपुर में पार्टियां चुनाव नहीं लड़ रही हैं, बीजेपी वर्सेस सपा की लड़ाई कम है, जया वर्सेस आजम की लड़ाई ज्यादा है। देखिए, क्या ये व्यक्तिगत लड़ाई है? मेरी कोई दुश्मनी नहीं आजम से, मैंने ऐसे कोई कहा कुछ भी नहीं कहा। वो जितना मुझे बदनाम कर रहा है, जितना मेरे कैरेक्टर को असैसिनेट कर रहा है कि मेरे कैरेक्टर के ऊपर वो इतना मतलब धूल चटा रहा है, तो आज मैं उनको एक ही बात कहना चाहती हूँ, इस रामपुर में यही उनका आखिरी चुनाव होगा। रामपुर वाले इनको घर से निकाल के बेघर कर देंगे, क्योंकि ये अपने अपने पर्सनल ले रहे, हर इंसान अपने अपने दिल पे ले रहा है ये चुनाव को। ये टिप्पणी मेरे लिए नहीं है, ये जनता में आम बहनों के लिए है ये टिप्पणी जो है। इसका मतलब इनका नजर बहनों पे नहीं है, बहनों के प्यार पे नहीं है, कुछ और पे है, इसीलिए तो इस तरह का अभद्र शब्द इस्तेमाल कर रहा है। क्या तुम किस तरह का आदमी है? चलिए जय जी, हमारे 2 सवाल और रह रहे हैं, अभी आपका थोड़ा सा समय और लेंगे। एक सवाल ये है कि आपके बेटे सम्राट को हमने यहाँ पर चुनाव प्रचार में देखा, क्या आपको लगता है कि अब आपके पुत्र जिस तरह से यहाँ कैंपेनिंग कर रहे हैं उसका फायदा आपको मिलेगा? जरूर मिलेगा, छोटा सा बच्चा है अभी वो, पहले वो 4 साल थे तो उस वक्त वो तो साइकिल चला के भी वो प्रचार करता था, इसके साथ साथ सिद्धार्थ भी करता था मेरा दूसरा। तो अब ये लोग बड़े हो गए, उस समय पे इनको समझ में नहीं आया था कि वो आजम किस तरह का गाली दे रहा है, अब इन लोगों को समझ में आ गई, तो ये लोग अपने अपने पैरों पे खड़े होके वो मेरे चुनाव वो लड़ना चाहते हैं। जय जी, इसके अलावा एक चीज ये कहा जा रहा है कांग्रेस यहाँ पर आजम खान की मदद, और मेरी बहन है पंजाब से आई है, ये वहाँ पंजाब की कला की रानी है, और वहाँ पे इन्होंने लगभग 300 पिक्चर की, प्रीति सप्रू जी, प्रीति सप्रू, हाँ हिंदी में हम दोनों काम किए हैं। मैं इस बहन के साथ मैं आज यहाँ हूँ, तो मैं इतनी मैं मुझे सपोर्ट मिल रहा है, वो मतलब पहले मैं अकेली होती थी, मैं रो रही थी कि मैं अकेली हो गई हूँ, तनाव में हूँ, अब मैं तनाव में मेरी लड़ाई ये लड़ रही है, जगह जगह जा रही है, जगह जगह समझा रही है, जो अब जो वहम पहला रहे ना, दोस्तों और परिवार के सहारे आप आजम का मुकाबला कर रही हैं। ये दोस्तों नहीं है, ये परिवार है। आपको एक चीज बताऊं, वो जो जिस तरह से वो स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं इनका डीमोरलाइज कर, ये डीमोरलाइज नहीं होगी, ये तो वो उस अटैक के इनको था, वो मुझे नहीं लगता उनको इनसे कोई ऐसी होगी, क्योंकि ये ओपोनेंट है। बिल्कुल, तो ओपोनेंट के लिए आप उठिए, उन काम एक दूसरे के काम के बारे में बात कीजिए, एक दूसरे ने क्या किया है इस रामपुर के लिए उसके बारे में बात कीजिए, आप कैसे रामपुर को प्रेजेंट करेंगे पार्लियामेंट में उसके बारे में बात कीजिए। बिल्कुल, आप बात कर रहे हैं सीधा, आप कैरेक्टर एसोसिएशन कर रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो घबरा के इससे भाग जाएंगे, वो नहीं भागेंगे। अच्छा, आप लोग को ये लगता है क्या जया जी कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की मदद कर रही है नूर बेगम को टिकट न देकर, संजय कपूर को टिकट देकर, ताकि जया प्रदा को एक मुसीबत खड़ी कर सके, मुस्लिम वोटों में बंटवारा न हो सके? ये उसका सोच है, लेकिन बात यह समझ लीजिए कि मुसलमान मेरे से खिलाफ नहीं है, सारे खड़े हैं, सारे मुसलमान मेरे साथ हैं, सारे मुसलमान बहनें मेरे साथ हैं, क्योंकि मैं उनके लिए भी बहुत काम किया, उनके आंसू पहुंचने के काम की, उनके उनके रक्षा की मैंने, जब जब यहाँ पे कोई ऐसा हादसा होता है तो मैं खड़े हो जाती हूँ। आज उसका उनका अहम है कि लोगों को यह अफवाह फैला रहे हैं कि मुसलमान भाई मेरे से वोट नहीं करेंगे क्योंकि मैं बीजेपी में, ऐसा कुछ भी नहीं है। सपा बसपा गठबंधन का असर है यहाँ पर, मायावती साथ में अखिलेश यादव, क्या आपको याद होगा एक बार बीजेपी के नेता यही आजम खान अभद्र टिप्पणी की थी? नहीं सुनिए, यही आजम खान, समाजवादी पार्टी का सत्ता चल रहा था, उनका गवर्नमेंट है, तो उस वक्त यही लोग मायावती जी के ऊपर हमला किया, मायावती जी का गेस्ट हाउस कांड के जो हिस्सा आपको पता है, तो मायावती जी को कितना परेशान किया था, मायावती जी के ऊपर कितना हमला किया था,
पर वही मायावती का आज वोट मांग रहे हैं, उसी के बलपोत पे वो सपोर्ट करके उनको चुनाव जीतना चाहता है। क्या जनता ये नहीं जान रही है? लोग नेता लोग एक हो सकते हैं, लेकिन नीचे का जो जमीन से जो जुड़ी हुई कैडर है ना, वो कभी आजम खान को वोट नहीं देगी। क्या मायावती को इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़नी चाहिए, आजम खान ने जो बयान दिया है? क्योंकि महिला मायावती जी को मैं सम्मान करती हूँ, वो कहीं पे भी किसी भी पार्टी में हो, उनके लिए भी इसी तरह का हमला हुआ है। वो जानती है कितना दर्द में वो जी रही है, मुझे पता है। वो किस मजबूरी से वो अखिलेश के साथ जुड़ी है, मुझे पता है। आजम से वो कभी भी वो जुड़ नहीं सकती है। बात यह है कि मैं इतना बताना चाहती हूँ कि आज आजम खान को, मायावती जी आप सुन रहे हो तो एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप देख रहे हो, इनके बयान देखो, आप महिला हो तो एक महिला को समर्थन करने के लिए आप खड़े हो जाओ। आपने एक अंतिम सवाल आपसे जयाप्रदा जी, आपने बीजेपी क्यों चुना और क्या उम्मीद लग रही है इस बार, नतीजे कैसे आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में खासतौर पर? देखिए, आदरणीय मोदी जी ने बहुत काम किया है। 4-5 साल में सक्रिय राजनीति में नहीं थी तो उनको देख रही थी, तो उन्होंने जो काम किया था, उनके जो काम करने का तरीका हो या महिलाओं के लिए हो, महिलाओं की सुविधाएं, महिलाओं के उत्थान की बात, महिलाओं की रक्षा की बात करते हैं। इस देश को रक्षा करने वाला ऐसे बहादुर नेता चाहिए इस देश के लिए। तो मैं चाहती हूं कि एक बार और इस पार्टी में होने पर मुझे गर्व है और उनके नेतृत्व में मैं आज चुनाव लड़ रही हूं, ये भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो आने वाले दिनों में एक बार फिर से 5 साल के लिए मोदी को जनता वोट, आजम का डटकर मुकाबला करती रहेंगे आप? यस, करूंगी। तो ये थी जया प्रदा जो कि बीजेपी की प्रत्याशी हैं रामपुर से। ज़ी न्यूज़ से बातचीत में साफ तौर से जया प्रदा ने कहा कि इस बार रामपुर में जो यहां की जनता है वो आजम को चुनाव हराएगी, और इसके साथ ही साथ चुनाव आयोग से ये मांग की है कि आजम खान को चुनाव न लड़ने दिया जाए, और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मांग की है कि आजम खान पर एक्शन ले। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, रामपुर।